दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका फिर से नए वीडियो में। ये मेरे पीछे आप लोग चारों तरफ देख रहे होंगे, सभी खेत खलियान मक्का की खेतियां हो रही हैं कहीं। और मैं जिस खेत में खड़ा हुआ हूं, ये मेरा अपना खेत है और इसी खेत में मेरे वालिद खेती किया करते थे। छोटा सा था मैं, इन मेड़ों पे चलना सिखाऊँ मैं ज़िंदगी के रास्ते। तो आज के इस ब्लॉग में बहुत कुछ ख़ास है। बारिश ना होने की वजह से ये हालत हो चुकी है खेत की कि ये दरारें पड़ चुकी हैं इसमें, ये देखिए आप लोग। और ये जो सामने दिख रहा है, ये मक्का का खेत है, भुट्टे आते हैं इसमें। और ये बड़ी दूर सामने ये आम का बाग है। ये अभी मैं करीब से जाकर आप लोगों को दिखाऊंगा कि अभी आम कितने बड़े हैं, और अगर कोई उस बाग में मुझे मिला तो मैं उससे पूछ के बताऊंगा कि अभी आम मार्केट में आने में, पकने में, हमें खाने में अभी कितना वक्त लगेगा जो हमें आम मिल सकें। ये जो मेड़े हैं, जो मेड़ ये खेत में होती है, इसके बारे में मैं आप लोगों को एक बहुत अच्छी जानकारी आज देने वाला हूं, जो शायद आप में से बहुत से लोग जानते भी होंगे, लेकिन आज मैं आप लोगों को थोड़ा उस चीज़ को एक्सप्लेन करूंगा। वो ये है कि अपने इस देश में, भारत देश में 99% लोगों के कत्ल हो जाते हैं इसके पीछे कि किसी ने किसी के खेत में मेड़ डाल ली, भाई भाई में झगड़ा है इस मेड़ का। इस मेड़ का हमारी ज़िंदगी में, हम भारतीयों की ज़िंदगी में बहुत अहम योगदान है। इतना अहम योगदान है कि भाई भाई का दुश्मन है, बाप बेटे का दुश्मन है, पड़ोसी पड़ोसी का दुश्मन है। इतना अहम योगदान है इस मेड़ का हम भारतीयों की लाइफ में, क्योंकि ज़्यादातर भारत किसानों पर टिका हुआ है, खेतीबाड़ी ज़्यादा है अपने देश में। देखिए मेरे पीछे मक्का का खेत है और इसमें अभी ये फूल आ रहे हैं और ये भुट्टे आना चालू हो चुके हैं। शाम के करीब 6 बज रहे हैं, फिर भी धूप अभी भी बहुत ज़्यादा है। मैं इस समय का इंतज़ार कर रहा था कि कब सूरज की तपिश कम हो और मैं खेतों में जाके अपना आज का व्लॉग शुरू करूं, क्योंकि आज ये चीज़ें भी बहुत ख़ास होती हैं हमारी ज़िंदगी में। खेती बाड़ी, खेतों में घूमना, खेतों की सैर करना, इससे अंदर से हमारी तबीयत बहुत खुश होती है। अभी कुछ दिन पहले मैं दिल्ली के सफ़र पर था और अब मैं अपने घर पे हूँ, अपने होम टाउन गंडनवारा में हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को आज खेतों की सैर करवाई जाए। और ये कितना अच्छा माहौल है, ये शीशम का पेड़ है जो साया दे रहा है और बहुत ठंडी ठंडी हवा, बहुत अच्छा मिजाज लग रहा है यहाँ मुझे, बहुत अच्छे नज़ारे लग रहे हैं। ये पहले खेत सब एक तार हुआ करते थे, लेकिन जब से यहाँ भट्टे शुरू हुए, भट्टे वालों ने यहाँ की मिट्टी ख़रीदना शुरू की और ईंटें बन गई। और ये देखो, ये जो है काफ़ी करीब 5 या 6 फिट की गहराई में ये जा चुके हैं और मैं 5 या 6 फिट की ऊंची मेड़ पर चला जा रहा हूँ आम के बाग की तरफ। अभी आप बच गए यार, रपट गए। अभी मैं आप लोगों को आम दिखाऊंगा बहुत करीब से, बड़ी नज़दीकियों से। इस साइड में जो है ये भी मक्का का खेत है, ये बाजरे का है और इसमें ज़्यादातर मक्का के पेड़ हैं और कुछ जो है बाजरे के भी हैं और कुछ चरी जिसे बोलते हैं, मतलब जिसे जानवर खाते हैं उसके भी हैं। और अब मैं इतनी ऊंचाई से नीचे उतरूँगा तो मतलब मैंने एक कदम आगे बढ़ाया और मैं खुद ही नीचे फिसल गया। तो देखिए कितने गहरे गहरे गड्ढे यहाँ हो रखे हैं और एक बाग ये है। शायद आप लोगों को आम नज़र आ सकें, क्योंकि ज़्यादा दूरी पर नहीं है वो आम का बाग मेरे से। इतनी खाली जगह में सिर्फ एक ये बरी का पेड़ बचा हुआ है जिसकी हिफाजत हम लोगों ने कर रखी है, वरना ये भी यहाँ से काट दिया जाता। देखिए, हम भारतीय लोगों की
पता नहीं क्या कम अकली है कि हम लोग पेड़ पौधे अपनी लाइफ से ख़त्म करते जा रहे हैं, जबकि हमें पेड़ पौधे लगाना चाहिए। जहाँ हमें पेड़ पौधे लगाना चाहिए, हम एसी के पीछे भाग रहे हैं। तो बेअक्ल लोग ये नहीं सोचते कि जब पेड़ पौधे नहीं होंगे तो एसी क्या काम करेगी। और अब मैं जो है आम के बाग की तरफ आ चुका हूँ, ये आप लोगों को सामने दिख रहे होंगे, ये आम चमक रहे हैं। अभी हम इनको और करीब से जाकर देखते हैं। और अब मैं आम के बाग में आ चुका हूँ, कहीं ऐसा ना हो रखवाली करने वाला मुझे आम चोर समझने लगे। ये आम लगे हुए हैं, मेरी समझ से ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा इन आमों को पकने में, बढ़ने में और हम लोगों तक पहुँचने में। तो मैं इस चीज़ की सही जानकारी जब ही दे पाऊँगा, जब मुझे इसकी सही जानकारी किसी से मिल सके, क्योंकि मैं किसान नहीं हूँ, मेरे अब्बा किसान हुआ करते थे। ये देखिए आम आसानी के साथ आप लोग देख सकते हैं, और दो बच्चे मुझे दिखाई दिए। तो मैं चाहता हूँ उन लोगों से ही बात करूँ जाके। क्या कह रहा है लल्ला, हैं क्या कहने जा रहा है, क्या कहने जा रहा है पापा से, हैं बाग में घूमन। अब मुझे ऐसा लगता है ये बच्चा मुझे आम चोर समझने लगा है। अब देखते हैं क्या होता है आगे। क्या बात है रे, आम थोड़ी तोड़ रहा हूँ मैं तेरे बाग में, आ तुझसे मिलने तो पहले परमिशन लेटर लेना पड़ेगा तुझसे। हैं तेरा बाग है, पापा कहाँ है तेरे? मैं पापा आ रहा हूँ। कहाँ है पापा? और जा घुरबिया क्यों रखी है, कहाँ से निकाल ला? चोर लग रहा हूँ मैं तुम्हें लगते तो कर दूँगा। हैं क्या कह रहा है? मैं वीडियो बना रहा आम की, आम दिखा रहा तो बस। हाँ तो मैंने कोई बात ना है, कितने दिन लगेंगे आमों को? अरे आमों में कम से कम एक महीना बनोगे पूरा। बता यार हमारे दर्शकों को कुछ, कितनी देर लगेगी, मतलब कितने दिन लग जाएंगे आने में? आम आने में? हाँ आम आने में कम से कम एक महीना। अब पका आम, पका आम। अच्छा अभी बम्बई तो पक सकता है। खिलाओगे हमें? क्यों ना खिलाएंगे। तो इन्होंने बताया करीब एक महीना और लग जाएगा अभी आमों को पकने में। जैसे ये मुझे जानते थे, इनका बेटा मुझे नहीं जानता था, तो मैंने उनसे बात की तो वो बोले कोई बात नहीं बच्चा है। तो आप लोगों ने देखा और हमें जानकारी मिली कि अभी करीब एक महीना और लग जाएगा आमों को मार्केट में पहुँचने में, पकने में और हम तक आने में। तो ये खटिया मिल गई यहाँ पे, पीछे मक्का का खेत है, हवा चल रही है बहुत अच्छी और यहाँ बैठ के बड़ा मज़ा आ रहा है। मतलब लोग पूरा इंतज़ाम करके चलते हैं किसान लोग, चारपाई है यहाँ, नींद बड़ा अच्छी आएगी। नींद मेरी कुछ दिनों से पूरी नहीं हो रही, तो मैं प्लान सोच रहा हूँ यहीं सो जाऊँ, लेकिन सो नहीं पाऊँगा, मुझे घर जाना होगा। खेतों में और बागों में घूमने के बाद मैं आ चुका हूँ रोड पे, जो रोड ये पक्का रोड है, इसके पीछे ये जो रोड गया हुआ है, ये एक गांव है गंडनवारा से करीब करीब 3 या 5 किलोमीटर की दूरी पर है, पिथनपुर भुजपुरा, और एक गांव है फिरोजपुर, और इधर है गंडनवारा, इधर कादरगंज रोड है और इधर शहर बसा हुआ है सारा। ये सारे खेत हैं, बाग हैं, यहाँ पहले अमरूद का बाग हुआ करता था, लेकिन अब अमरूद का बाग ख़त्म करके इन लोगों ने मक्का कर रखी और अपनी खेती बाड़ी करते हैं ये लोग। अगर अमरूद का बाग होता तो वो आप लोग अभी देख पाते, लेकिन अभी नहीं देख सकते क्योंकि अमरूद का बाग है ही नहीं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं समझता हूँ कि मैंने जो कहा था वो मैं दिखा पाया, और आम तो जो है एक महीने के बाद आएंगे। मतलब मुझे जो है आम पसंद है डाल पे पके हुए। आप में से लगभग सभी लोग जानते होंगे, और जो लोग नहीं जानते हों उनके लिए मैं बता दूं कि
डाल पे पके हुए आम का मतलब है यानी कि जो पेड़ पे ही पकते हैं, मुझे सिर्फ वही आम खाना पसंद है। तो एक महीने के बाद जब आम पकना शुरू होंगे तब मैं बाग में आऊँगा और आप लोगों को आम खाते हुए और आम का टेस्ट बताऊँगा। और इन बागों के आमों का टेस्ट बहुत अच्छा होता है क्योंकि मैं खाता रहा हूँ बचपन से ही। तो मिलते हैं अगले किसी व्लॉग में, तब तक के लिए इंतज़ार कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, मुझे सपोर्ट करते रहिए।